परेड कमांडर थी। यस मैम। मैम उसे कमांड कर रही थी। स्कूल में हो पढ़ाई अच्छे से करो, कॉलेज में हो देखो क्या क्या कर सकते हो, इंटरनेट एक्सेस आपसे लेते हैं आप, पर्सनल वन टू वन इंटरव्यू होता है, आपके साथ में कोई और नहीं बैठा होता, वो कुछ नहीं, बहुत जनरल क्वेश्चन होता है, वो आपसे बस इतना पूछेंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ज्यादा सोचते हो कि नेगेटिव सोचते हो? यूजली आप लोगों ने नेवी के लिए उनका भी SSC लॉजिस्टिक अलग होता है, SSC एजुकेशन अलग होता है, SSC ऑब्जर्वर अलग होता है, ये तो क्या आर्मी नेवी एयरफोर्स, इसके अलावा होता है एक रात में मैं एकदम सच्चा देशभक्त बन गया हूँ, ऐसा नहीं हो सकता ना। और सिर्फ देशभक्त नहीं, कोई भी क्वालिटी आपके अंदर है, 5 दिन के प्रोसीजर में आप, आपको बताते जाएं पिछले 5 दिन से 3rd J&K बटालियन NCC बारामूला का कश्मीर घाटी के तंगदार इलाके में कैंप चल रहा है, और पिछले 5 दिन से 3rd J&K बटालियन NCC बारामूला के जो कैडेट्स हैं वो यहाँ तंगदार में हैं। तो हमारे साथ उनकी ये कैडेट्स सोनाली मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं और भी इस कैंप के बारे में। जी तो कैसे रहे ये 5 दिन? जय हिंद। आपने जैसे कि पूछा हमारे 5 दिन कैसे गए, कॉमनली जैसे हमारे सारे कैंप्स में होता है वैसे ही सब, मतलब बहुत अच्छे गए हमारे 5 दिन। सुबह उठ के पहले 5 बजे उठना, फिर PT, फिर उसके बाद हमने ड्रिल की, फिर उसके बाद फायरिंग हुआ, हर दिन अलग अलग, जैसे हमें दूसरे दिन हम टिथवॉल गए थे, फिर उसके बाद हम सिख ब्रिज में गए जहाँ पे हमारा रॉक क्लाइंब रैपलिंग हुआ, फिर उसके बाद हमने फायरिंग कंपटीशन भी हुआ, डिबेट कंपटीशन भी हुआ, फिर हमारा पेंटिंग कंपटीशन भी हुआ था यहाँ पे, और आज जैसे इंटरेक्शन सेक्शन था, सानिया शेरगिल मैम आए थे उनके साथ भी हुआ, तो मतलब बहुत अच्छा गया हमारे कैंप। सबके लिए यही मैसेज है कि जितना हो सके वो NCC में इनरोल हो, ये ना सोचें वो कि हमें डिफेंस में नहीं जाना, हमें आर्मी में नहीं जाना तो हम NCC नहीं करेंगे। ये सिर्फ डिफेंस या आर्मी के लिए नहीं है कि हमें NCC नहीं करनी, हमें डिफेंस में नहीं जाना, चाहे वो किसी भी, मतलब उनकी करियर का जो भी गोल हो, उनका जो भी हो, NCC ये नहीं बोलता कि आप डिफेंस में जाओगे तो आप NCC चूज़ करो, NCC का ये कोई भी मोटिव नहीं है। NCC का मोटिव है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, वो सिर्फ आपको यूनिटी और डिसिप्लिन सिखाता है, ह्यूमैनिटी सिखाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप डिफेंस में जाओ तो आप सिर्फ वो करो, आप किसी में भी जाओ, जैसे आपको सी सर्टिफिकेट की जो वैल्यू है सबको ही पता होगा कि पॉइंट्स मिलते, पुलिस ने तो 5% दे दिया है, बाकी सब में और जितना भी, मतलब जितनी भी जॉब्स हैं उन सब में कुछ ना कुछ पॉइंट्स मतलब मिलते ही हैं सी सर्टिफिकेट से।